अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद असद है। अच्छा, आज आपके साथ एक अपनी असेसमेंट शो बतानी है आप लोगों को। हरी कोई मशवरा नहीं है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बट जस्ट एक असेसमेंट है, क्योंकि हम सारा दिन फिर रहे होते हैं मार्केट में, तो लोग भी हमारे पास आ रहे होते हैं, हम भी लोगों के पास जा रहे होते हैं, इन्वेस्टरों से भी बात हो रही होती है, एंड यूज़र से भी बात हो रही होती है, तो हर किस्म के बंदे के साथ कनेक्टेड हम ऑल द डे थ्रू आउट द डे रहते ही हैं। तो एक चीज़ ये है कि अगर तो आप एक इन्वेस्टर नहीं है और आपने वैसी मतलब कि तो हर बंदे के पास जब पैसे सरप्लस में होते हैं तो हर बंदे की कोशिश होती है कि मैं कोई जायदाद बना लूं, कोई चीज़ बना के रख लूं। तो अगर अभी जो आपने चीज़ ये सोच के ली थी कि हाँ यार ये चीज़ मैं अच्छी चीज़ ले रहा हूँ, सही प्लॉट या सही दुकान या सही मकान में ले रहा हूँ, सही जगह पर ले रहा हूँ और इन फ्यूचर इसकी वर्थ अच्छी होगी, लेकिन अभी राइट नाउ मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से और आपकी चीज़ की वर्थ कम हुई हुई है, तो बिल्कुल भी आप उसको मतलब डर के या जल्दबाजी में कि जी रेट्स कम हो रहे हैं, आपने उस चीज़ को बेचना नहीं है। आप उस चीज़ को अपने पास रखें, होल्ड किए रखें उसको, वो इंशाल्लाह नियर फ्यूचर बड़ी जल्द चीज़ों की कीमतें ठीक हो जाएंगी, हालात बेहतर हो जाएंगे, आपकी चीज़ें सही रेट तक पहुंचना शुरू हो जाएंगी। अगर आपकी चीज़ माइनस में है तो दोबारा लेवल तक भी आएगी और इंशाल्लाह प्लस में भी जाएगी। तो एक चीज़ तो ये हो गई कि आपके पास जो चीज़ जो प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, अगर आपको ज़रूरत नहीं है उसे बेचने की और आप खाली मार्केट सिचुएशन देख के कहते हैं कि मैं इसको बेच दूँ, तो आप ना बेचें, ठीक है। अक्सर लोगों को हमें कॉल्स आ रही होती हैं, हमें के बाहर होते हैं वो लोग, उनके यहाँ पे कोई प्लॉट होता है तो वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान के हालात ख़राब हो रहे हैं, चीज़ों के रेट डाउन जा रहे हैं, मेरी चीज़ सस्ती भी बिकती है, कम पैसों में भी बिकती है, 5-10 लाख कम में भी बिकती है, आप इसको बेच दें सर भाई, हमारी जान छुड़ाएं इससे। तो उन जो कहते हैं इस तरह उनको तो मैं बता देता होता हूँ, लेकिन जो अब ज़ाहिर है और भी काफ़ी सारे लोग होंगे जिनके जहन में ये चीज़ आती होगी, तो आप डरें मत, घबराएं नहीं, आप अपनी चीज़ को इस तरह औने पौने देने के लिए मार्केट में ना जाएं। हम चाहें मतलब अगर, क्योंकि हमें पता होता है कौन बंदा को चीज़ देने को जल्दी है, इसको देने की डरा हुआ है बंदा, सस्ती दे देगा ये, तो उससे हम सस्ती खरीद के आगे हम उसको रख के बेच सकते हैं महंगी, लेकिन क्या ज़रूरत है, क्यों करें हम किसी बंदे का लॉस। किसी बंदे ने इतनी मेहनत से 4 सेकंड की प्रॉपर्टी बनाई है तो आप उसको क्यों ख़राब करें। तो अगर आप किसी के पास जाएंगे तो लोग आपको डराएंगे कि जी हालात ख़राब है जी, शायद बिकती नहीं पाई जी, तुम बेच दो। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं आपको बेचने की उस चीज़ को, आप उस चीज़ को रखें, होल्ड करें, ठीक हो जाएंगे हालात इंशाल्लाह जल्द और आपकी चीज़ें वापस बेहतर पैसों में आ जाएंगी। अभी भी तो आप लॉस में दे रहे हैं ना, तो आप ना दें उसको लॉस में, आप रखें उसको। दूसरी चीज़ ये कि यह टाइम है ख़रीदने का, चीज़ है ठीक है, ख़रीदारी का टाइम है, और ख़रीदारी किससे करनी है आपने, आपने ख़रीदारी करनी है इन्वेस्टरों से, ठीक है, इन्वेस्टर से, जो बंदे ने 2-3-4-5-10 चीज़ें ली हुई हैं और जो बंदा है उसके साथ 5 इन्वेस्टर और मिले हुए हैं और वो 5 बंदों के पैसे एक बंदे ने मिला के कोई चीज़ ली हुई है, उनसे चीज़ें लें आप, क्योंकि वो हैं घबराए हुए इस टाइम, ठीक है, क्योंकि एक बंदा नहीं था, 3-4-5 बंदे थे, उनके पैसे लगे हुए, उन्होंने आगे कोई चीज़ उठाई हुई, 10 चीज़ें उन्होंने उठाई हुई, अब 3-4 बंदे हैं, बीच में 5 बंदे हैं, तो किसी ना किसी को बीच में से पैसा चाहिए, कोई ना कोई कह रहा होता है कि जी पैसे फंसा दिया आपने, पैसे निकालो, पैसे दो, कम में आते हैं, कम में निकले लेकिन पैसे दो हमारे। तो जो इस तरह के लोग हैं वो, उनको ज़रूरत है सर्कल, उन्होंने अपना चलाना है, उन्होंने अपना सिस्टम करना है उन्होंने, तो उनसे आप अगर जाते हैं, उनसे आप कोई डील करते हैं, कोई बंदा अजीब अजीब ऑफर डिमांड्स भी लोग कर रहे होंगे मार्केट में कि जी 1 करोड़ रुपए की चीज़ है, लेकिन अगर आप उसको इस टाइम जाके 80 लाख के ऑफर भी देते हैं तो शायद आपको 80 लाख रुपए में चीज़ दे दें, क्योंकि लोगों ने इन्वेस्टर्स को इस तरह ना इसमें बेसिकली लॉस नहीं हो रहा होता, उन्होंने एक चीज़ उठानी है, सस्ती बेच देनी है महंगी उठा के, लेकिन फिर वो सस्ती चीज़ बेच के दोबारा कोई अच्छी चीज़ सस्ती ख़रीद लेंगे और वो कर करा के अपना निज़ाम वो चला लेते हैं, क्योंकि मार्केट में हैं बैठे हुए, इनको पता है हर चीज़ का, वो लोग कर लेते हैं। लेकिन एक बंदा जिसने ज़िंदगी में 1-2 दफ़ा चीज़ ख़रीदनी है और उसने अपनी जायदाद बना रहे अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, तो उसके लिए ये करना मुश्किल है कि वो चीज़ लॉस में दे दे और फिर वो दोबारा कोई सस्ती चीज़ ख़रीद ले और फिर उसको महंगा बेचे, क्योंकि हर बंदे का अपना काम है, कारोबार है, जॉब है, हर बंदा नहीं समझता इस चीज़ को।
अच्छा, तो एक आम बंदे के लिए तो मुश्किल है बड़ा इस तरह करना ना। इन्वेस्टर्स ने अपने सिस्टम चलाने होते हैं, आगे पीछे चीजें, लोगों को पैसे भी देने हैं, उनकी कोई चीज बन भी रही होगी, वहां भी पैसे लगाने, मजदूरों को भी देने, ये वो करना है। तो मैं बता आपको ये रहा था कि अगर आपने सस्ती चीज खरीदनी है तो आप कैसे खरीद सकते हैं। वो ऐसे खरीद सकते हैं आपके आपके पास कैश इन हैंड होना चाहिए, ठीक है। अगर आप लेने जा रहे हैं करोड़ रुपए की चीज, तो करोड़ रुपए आपके पास इन हैंड होना चाहिए। मतलब इन हैंड से मुराद कि आप उसको विद इन अ डे, सेम डे आप उसे पेमेंट कर सकें। बेशक आप चेक के थ्रू करें, आप ड्राफ्ट के थ्रू करें, आप कैश दें, जैसे मर्जी दें आप, लेकिन आप उसको कहें कि जी मैं तुझे वन डे में पेमेंट कर दूंगा, आज तू मांग रहा है चीज दे मुझे इतने की, आज ही मेरे से पैसे ले ले। तो लोगों को जरूरत होती है, ठीक है, पैसों की, उन्होंने आगे कोई ना कोई निज़ाम चलाना है, तो वो देख रहे होते हैं कि यार चलो ये चीज़ मैं अगर मार्केट से 10-20 लाख रुपए कम में भी दे रहा हूँ और मैं अपना थोड़ा बहुत इसमें लॉस भी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कैश तो इन हैंड आ रही है ना, तो उसका जो थोड़ा बहुत लॉस होता है वो उसको वो नहीं देख रहा होता। उसकी जगह जो उस करोड़ रुपए से उसका बड़ा काम जो फंसा हुआ है, जो सरदर्दी उसके लिए बनी हुई है, वो अगर उसकी वहां से हो रही है पूरी, तो फिर वो चीज़ आपको जो है वो सस्ती दे देता है इस सूरत में। तो जब भी आप चीज़ खरीदने जाएं और आपको ये हो कि यार मैं जो अच्छी डील मिले, तो अच्छी डील आपको इस सूरत में मिलती है कि आपके पास पैसे इन हैंड हो, आप जाएं बंदे से डील करें, उसको बोलो ये पकड़ भाई पैसे, आ जा चीज़ मेरे नाम कर दे, मुझे दे दे। इस तरह आप सस्ती चीज़ खरीद सकते हैं। तो हमने दो बातें की, एक ये कि डर के अपनी चीज़ ना बेचें, ठीक है, उसको होल्ड करें, और दूसरी ये कि बेचने का नहीं, ये खरीदने का टाइम है। चीज़ खरीदें, इन्वेस्टर से खरीदें, और पैसे हाथ में रख के खरीदें, इंशाल्लाह चीज़ आपको अच्छी मिलेगी, सस्ती मिलेगी। तो इन्वेस्टर से चीज़ खरीदें, सस्ती भी मिलेगी और मतलब की भी चीज़ आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। परचेजिंग करें, परचेजिंग का टाइम है, और सस्ती चीज़ें लें, बाद में कुछ टाइम में आपकी अच्छे रेट में बिकेगी। तो दैट्स इट, बस यही थोड़े से अपना एक थॉट और असेसमेंट आपके साथ शेयर करनी थी। बहुत शुक्रिया देखने का, जज़ाकअल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।